वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमएस वर्ड के अंदर नॉर्मली हम टेबल को किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो पहले बात ये समझने की है कि टेबल नॉर्मली हम यूज क्यों लेते हैं। तो टेबल नॉर्मली आपका सिमिलर टाइप का डेटा है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर उसकी प्रॉपर्टीज को हमें एक जगह डिफाइन करना होता है, देन हम यूज करते हैं टेबल। और टेबल आपकी कलेक्शन होती है रो एंड कॉलम्स का। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन या चार तरीकों से बताऊंगा नॉर्मली आप टेबल इंसर्ट किस प्रकार से कर सकते हो वर्ड के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको जो आपका वर्ड है उसके सेकंड टैब है इंसर्ट, इसके अंदर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जो सेकंड टैब है आपका टेबल का वो शो हो जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो ये आपकी रो एंड कॉलम्स बने हुए हैं, तो जितनी रो एंड कॉलम्स आपको चाहिए, तो ये तो है आपकी रो एंड ये है आपके कॉलम्स। ओके, तो जितनी भी रो एंड कॉलम्स आपको इंसर्ट करनी है अपने पेज के अंदर, यहाँ से आप डायरेक्टली उनको सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक मुझे फोर फोर रो एंड फोर कॉलम इंसर्ट करने या फाइव। ओके, तो मुझे यहाँ लाके सिंगल क्लिक करना है और आपके पेज के अंदर आपकी जो टेबल है वो इंसर्ट हो जाती है। और यहाँ पे कॉर्नर के अंदर आपका रिसाइज बटन आपको टेबल का मिल जाता है, जिसके थ्रू आप टेबल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ से जो आप यहाँ पे कर्सर लेके जब मूव करते हो टेबल के अंदर, तो इसके थ्रू आप टेबल को ड्रैग कर सकते हो एंड कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हो। ओके, तो ये तो रही बात टेबल को ड्रैग करने की और रिसाइज करने की। तो फर्स्ट तरीका तो आपका सिंपल सा ये हो गया। सेकंड हम बात करते हैं, जैसे ही मैं टेबल टैब को क्लिक करता हूँ तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास आता है इंसर्ट टेबल। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास टू ऑप्शन मुझे मिलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज का। तो जितनी कॉलम्स या जितनी रो आपको एक टेबल के अंदर इंसर्ट करनी है, तो यहाँ से आपको उनको सेलेक्ट कर लेना है। लाइक मुझे सिक्स कॉलम चाहिए एंड आपकी थ्री मुझे रो चाहिए। यहाँ पे आपका कुछ आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। लाइक जैसे कि आपको सेल के अंदर जब आप कुछ लिखोगे, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर जब आप डेटा इंसर्ट करोगे, तो वो आपके ऑटोमेटिकली उस कॉलम की विड्थ के अकॉर्डिंगली फिक्स्ड हो जाए। एंड सेकंड है जो आपकी टेबल है वो ऑटो फिट टू कंटेंट, आपके जो कंटेंट होंगे इनके अंदर तो उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को ऑटो फिट कर लेगी, या ऑटो फिट टू विंडो, विंडो के अकॉर्डिंगली आपकी टेबल है वो रिसाइज अपने आप को कर लेगी। ओके, तो वो ऑप्शंस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और यहाँ से नॉर्मली आप उनकी जो साइज है कॉलम की वो घटा या बढ़ा सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पे ऑटो ही रहने देते हैं। एंड मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो आपकी टेबल इसके अंदर आ गई, क्योंकि यहाँ पे अपना कर्सर था। तो मैं इसको एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ एंड दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ इंसर्ट टेबल एंड इसको ओके करता हूँ। तो आपकी जो टेबल है, फाइव आपके कॉलम बन गए हैं एंड टू आपकी रो यहाँ पे बन चुकी है। ओके, दो तरीके हो गए। तीसरा हम देखते हैं, अगर हमें मान लो टेबल कहीं ड्रॉ करनी है। ओके, लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे इन दो कॉलम को डिलीट कर देता हूँ या इन दो कॉलम को मर्ज कर देता हूँ, और ये मर्ज वाला यहाँ से ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये आपका पूरा जो आपका कॉलम है ये सिंगल बन गया है और आपकी जितनी भी रो एंड कॉलम थे वो मर्ज हो गए। अब मुझे ड्रॉ करना है यहाँ पे एक इस एक जो आपकी सिंगल कॉलम है इसका मुझे टू कॉलम क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ से ड्रॉ टेबल को क्लिक करूँगा तो आपका एक पेन का निशान आपको यहाँ पे मिलता है, और जहाँ पे भी आप इसको टच करके होल्ड करके एंड ड्रैग करके जहाँ तक ले जाओगे, और वहाँ जहाँ तक आपको टेबल की
जो आपकी आपको डिवाइड करना है, जहाँ तक आपको लेके जाना है वहाँ उसको छोड़ देना है, तो यहाँ से आपका जो नया एक कॉलम है वो बन गया है। इसी प्रकार से आप रो भी क्रिएट कर सकती हो। ओके, तो आप इस प्रकार से एक नए तरीके से आप एक टेबल इंसर्ट कर सकते हो। ओके, जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे नॉर्मली आप एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हो, या कॉलम या रो आप उसके अंदर सिंपली बना सकते हो। तो ये हो गए आपके पास 3 वेज टू क्रिएट ए टेबल। फिर लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिलता है, अगर दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, अगर आपकी कोई एक्सेल की सीट है उसको आपको चेंज करना है टेबल के अंदर, तो यहाँ से आप एक्सेल स्प्रेडशीट पे आप क्लिक करते हो, तो जो आपकी एक्सेल है उसकी फाइल आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाती है, और यहाँ से आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हो एक्सेल जैसे। ओके, जैसे आप नॉर्मली एक्सेल के अंदर टेबल क्रिएट करते हो उस प्रकार से यहाँ पे एक टेबल बना सकते हो। ओके, और लास्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, वो मैं बता देता हूँ आपको। अब आपको एक क्विक टेबल इंसर्ट करनी है अपने पेज के अंदर, तो मैं यहाँ से कर्सर को यहाँ क्लिक करता हूँ, और अगर आपको क्विक टेबल आप अपने पेज के अंदर जो आपके पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट है उनके अकॉर्डिंगली अगर आपको इंसर्ट करनी है, देन यहाँ से आप चूज कर सकते हो उन टेबल्स को। ओके, लाइक मुझे ये वाली टेबल इंसर्ट करनी है। ओके, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपकी क्विक टेबल आपके लिए तैयार है। बस आप करना क्या है, यहाँ पे जो डेटा है वो चेंज कर सकते हो। ओके, तो क्विकली अगर हमें एक टेबल इंसर्ट करनी होती है तो इस प्रकार से हम एक टेबल क्विकली इंसर्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तरीके थे आपके टेबल को इंसर्ट करने के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेबल को हम कितने प्रकार से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अपील है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, बिकॉज व्हेन आई अपडेट माई वीडियोज यू गेट फर्स्टली माई नोटिफिकेशन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।